कल हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जो केमिकल रिएक्शंस हमें पढ़नी है हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स की केमिकल रिएक्शंस और उससे केमिकल प्रॉपर्टीज वो हमें देखनी है। सो उसमें हमने देखा था कि 3 है ओके और 3 में फर्स्ट वाली केमिकल रिएक्शंस केमिकल प्रॉपर्टीज हमने देखी थी जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों वो सब हमने डिस्कस कर लिया क्यों एंड ऑल ओके। तो हमने डिटेल में देखा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। न्यूक्लियस जा रहा है न्यूक्लियस के टॉवर्ड्स में अट्रैक्ट होना मतलब न्यूक्लियोफिलिक ओके। इलेक्ट्रॉन के टॉवर्ड्स में अट्रैक्शन होना मतलब इलेक्ट्रोफिलिक ओके। सो ये न्यूक्लियस के टॉवर्ड्स में अट्रैक्ट हो रहा है। न्यूक्लियस में कौन होता है पॉजिटिवली चार्ज, तो ये जो अट्रैक्ट हो रहा है वो कौन होगा नेगेटिवली चार्ज ओके। तो हम लिखेंगे कैसे Nu लिखेंगे उसको ओके लेकिन Nu पॉजिटिव नहीं लिखेंगे Nu नेगेटिव लिखेंगे। क्यों क्योंकि हम न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियस के टॉवर्ड्स में अट्रैक्ट हो रहा है तो न्यूक्लियस में। सो ये नेमिंग के लिए ऐसा समझा रहा हूं मैं, एक्चुअल में ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। इट्स नॉट लाइक दैट के न्यूक्लियस के तरफ जा रहा है या इट्स नॉट लाइक दैट के इलेक्ट्रॉन की तरफ कोई जा रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट। बट नेमिंग उस तरह से की हुई है हमें समझ में आया इसलिए। अदरवाइज तो क्या है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज जाके पॉजिटिव के साथ जुड़ जाता है। लेकिन पॉजिटिव होता कहाँ है भाई, पॉजिटिव चार्ज तो एटम में न्यूक्लियस में ही होता है इसलिए उसका नाम दिया गया है न्यूक्लियोफिलिक। डन। तो वो हमने देखा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और उसमें हमने देखा था उसमें भी सब पार्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन 1 एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2। सो हमने सबसे पहले कौन सी देखी 1 या 2? 2 देखी थी यस। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 तो SN2 उसका शॉर्ट फॉर्म है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन 2। 2 किस चीज के लिए था बाई मॉलिक्यूल। बाई मॉलिक्यूल मतलब क्यों, क्योंकि ये जो हम केमिकल काइनेटिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसका रेट ओके उसका जो रेट है वो दो कॉन्स्टिट्यूएंट और से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। कौन कौन से टू एलिमेंट, एक तो जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है उसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर और दूसरा जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट ओके। तो सबस्ट्रेट एंड रिएक्टेंट दोनों के ऊपर ये डिपेंड करता है, दैट्स व्हाई ये बाय मॉलिक्यूल 2 आया है SN2। डन। वो हमने देख लिया होता क्या है रिएक्शन में शॉर्ट में, तो शॉर्ट में ये रिएक्शन में ये होता है कि हाँ शॉर्ट में रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास RX है, हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, उसकी ही तो केमिकल प्रॉपर्टीज हमें समझनी है। तो कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसका नेगेटिवली चार्ज होगा, हमने देखा था OH- आयन हो सकता है, साइनाइड हो, CN- हो सकता है, हमने देखा ना NO2 हो सकता है, तो वो हमने देखा क्या होगा। तो भाई यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ये बॉन्ड पोलर है ओके। सो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव तो ये आ जाएगा भाई साहब यहाँ पर और ये NU प्लस ये X- हो जाएगा, दैट इज द लिविंग ग्रुप। बस इतना ही होने वाला है दोनों में, SN2 में और SN1 में, दोनों में यही होने वाला है ओके। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस हम लास्ट में ले लेंगे जब दोनों डिस्कस करें। एक तो हमने डिस्कस कर लिया क्या SN2, तो SN2 में हमने क्या देखा कि ये जब यहां पर आ रहा है ओके सो जब आ रहा है तो वो पार्शियल बॉन्ड अभी बन रहा है और ये जो हैलाइड के साथ बॉन्ड है वो टूट रहा है। हमने सपोज वो क्लोरोमीथेन वाला एग्जांपल लिया था ना ओके, तो CH3 होगा, तीन साइड H होंगे और यहां पर हमारा क्लोरीन लगा हुआ है। फिर अगर OH- आ रहा है तो OH- बॉन्ड बनाना ट्राई मतलब बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया कहां पर, कार्बन के साथ, और ये क्लोरीन कार्बन के साथ बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो गया। तो ये इंटरमीडिएट पोजिशन है जो स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है करेक्ट ओके। वो अनस्टेबल थी तो उसको हम एक अनदर मेथड और अनदर स्टेप नहीं बोलेंगे, ये तो अनस्टेबल बन ही रहा है मतलब कंटिन्यूअसली, इसीलिए हमें कार्बन की वहां पे वैलेंसी 5 भी दिख रही थी। लेकिन वो 5 हमने डार्क लाइन से नहीं ड्रॉ की थी, डॉटेड लाइन से ड्रॉ की थी 2, क्योंकि एक बन रहा है और एक टूट रहा है, 3 जो है वो डार्क लाइन से ड्रॉ की थी करेक्ट ओके। और फिर वहां पर बन गया, क्या बन गया, तो यहाँ पे जो भी तुमने अल्काइल हैलाइड लिया हुआ हो तो अल्काइल जो भी ग्रुप हो वहां पे न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, दैट्स इट, OH आ जाता है। फिर हमने देखा भी था कि साइनाइड में और नाइट्राइड में, नाइट्रो ग्रुप में दो दो चीजें पॉसिबल है,
अगर सी साइनाइड का सी एन जो है वो सी भी जुड़ सकता है कार्बन के साथ और नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है कार्बन के साथ, करेक्ट। तो एक को हमने साइनाइड बोला था जब कार्बन जुड़ता है, और जब नाइट्रोजन जुड़ता है तो हमने आइसोसाइनाइड बोला था, याद आया ना। ओके, और दूसरा एनओ टू, तो जब नाइट्रो मतलब एन जुड़ता है तो हम नाइट्राइल बोले थे, और फिर ऑक्सीजन भी जुड़ता है, डन। और नाइट्रेट, ओके, और नाइट्राइल, डन। तो वो दो देखे थे हमने, ओके। सो ये थी पूरी की पूरी SN2, एक क्विक रिवीजन, क्योंकि अभी उसी के कंटिन्यूएशन में है इसलिए। अभी SN1 में क्या नया चीज है? अरे नया चीज वही चीज है, करना वही है। क्या है? SN1 मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1। ये 1 मतलब यूनि, वो 2 था मतलब बाई मॉलिक्यूल, ये 1 है मतलब यूनि मॉलिक्यूल। यूनि मॉलिक्यूल मतलब क्या? कि ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसका रेट सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। किसके? सबस्ट्रेट के। सबस्ट्रेट मतलब जो हमारा रिएक्टेंट है उसके। क्यों भाई? न्यूक्लियोफिलिक के न्यूक्लियोफाइल जो होगा उसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं है। नहीं डिपेंडेंट है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो आने ही वाला है, तो फिर कैसे डिपेंडेंट नहीं है? डिपेंडेंट नहीं है वो हम प्रोसेस से समझेंगे, ओके। कि भाई तुम कितना भी ज्यादा न्यूक्लियोफाइल लेके आ जाओ, लेकिन यहाँ पे वो प्रोसेस देखो, वहां पे ये ऑपोजिट है। SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप प्रोसेस, एक ही स्टेप में बन जाता है, वो इंटरमीडिएट तो अनस्टेबल है तो उसको हम स्टेप नहीं गिनेंगे। लेकिन SN1 रिएक्शन दो स्टेप में होगी, मतलब SN1 स्टेप 2, SN2 स्टेप 1, डन। वैसे है सो ये स्टेप दो स्टेप में क्या है? तो दो स्टेप में ऐसा है कि हमें सबसे पहले जो हमारा ये हेलो एल्कीन है उसको प्रोटिक मीडियम में डालना पड़ेगा, ओके, प्रोटिक सॉल्वेंट में डालना पड़ेगा। तो प्रोटिक सॉल्वेंट में हम क्या ले सकते हैं? एसिटिक एसिड ले सकते हैं, पानी भी ले सकते हैं, मतलब जिसमें प्रोटॉन H+ जहां से मिले उसमें डालना है, ओके। प्रोटॉन मतलब H+, तो H+ जहां से मिले उसमें हमें डालना है, ओके। उसमें डाल के क्या फायदा? उसमें डाल के ये फायदा है कि सोचो कि तुमने ये RX को डाल दिया है किसमें से? एसिटिक एसिड में डाल दिया है, ओके, और से पानी में डाल दिया है, H2O में डाल दिया है, तो H+ और OH- तो मिलेगा, करेक्ट। अब ये जो हमारा अभी न्यूक्लियोफाइल तो आया ही नहीं है, ये जो हमारा हेलोजन है और ये जो H+ है, ये H+ ये हेलोजन को खींचेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को आने के, न्यूक्लियोफाइल जब ऐसे आता है तो उसको ये बॉन्ड तो तोड़ना पड़ेगा, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हमें कहीं से मिल जा रही है। कहां से मिल रही है? अगर पानी में डाल दिया तो ये X जो है वो ये H+ के साथ जुड़ने का ट्राई करेगा, डन। सपोज यहां क्लोरीन हो, ये H है तो HCl बनाने का ट्राई करेगा, डन। तो ये H+ ये क्यों भाई? ये तो ऐसे भी जाने ही वाला था ना, ये X का कहां काम है हमें? वो तो वैसे भी लिविंग ग्रुप है, वो तो जाने ही वाला है। तो ये भाई लोग, ये X और ये H+ जुड़ गए, क्योंकि उसको हमने प्रोटिक सॉल्वेंट में डाल दिया पहले। न्यूक्लियोफाइल तो अभी पिक्चर में है ही नहीं, हमारे पास सिर्फ हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स है, उसको हमने प्रोटिक सॉल्वेंट में डाल दिया। तो क्या होगा? ये H+ और इसमें जो नेगेटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव तो हेलोजन ही होगा ना हमारा, तो वो बॉन्डिंग कर लेंगे, तो उनके बीच में बॉन्ड बनेगा। तो हमें पता है बॉन्ड बनता है तो इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट रिलीज होगी, करेक्ट, ओके। तो वो हीट रिलीज हो रही है। अब ये भाई साहब तो यहां से चले गए, तो ये अकेला बचा है, अकेला कौन बचा है? आर प्लस। क्या बचा? R+। अगर मेरे पास सपोज CH3Cl हो और उसको मैंने डाल दिया है किसमें? पानी में, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। तो ये हमारा अल्काइल हैलाइड था, उसको हमने प्रोटिक सॉल्वेंट में डाल दिया। प्रोटिक सॉल्वेंट में डालने से क्या होगा कि भाई ये Cl भाई, ये Cl भाई ये H2O के साथ जुड़ जाएंगे, H2O के साथ नहीं मतलब उसके H+ के साथ, प्रोटोन के साथ जुड़ जाएंगे, ओके। तो प्रोटोन के साथ जुड़ गए तो वहां क्या बन गया? वहां बन गया HCl। तो ये अकेले हो गए, कौन अकेले हो गए? CH3+ हो गए, डन, एक आयन बन गया। तो ये जो CH3+ बन गया, ये आयन बन गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कार्बोकैटायन। कैटायन बना ना, एना है, और कैटायन पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायन। तो ये हमारा बन गया कार्बोकैटायन। अब क्या? अब जो करना है करो। तो अब ये न्यूक्लियस को अभी हम भेजते हैं न्यूक्लियोफाइल को, तो अब ये न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाएंगे कार्बन पे, तुरंत अटैक हो जाएगा। पहले प्रॉब्लम आती थी, क्यों?
कि भाई ये कार्बन के साथ ये अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, बेंजीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो लोग थोड़ा रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। नहीं, हम वो समझे थे बलून वाला, टर्शरी होगा, टर्शरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड और प्राइमरी हैलाइड। तो सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन किसकी होगी, याद करो, प्राइमरी की। क्यों? क्योंकि वो जो स्पेशियल हिंडरेंस, स्टेरिक हिंडरेंस भी बोलते हैं उसको, स्टेरिक हिंडरेंस और से स्पेशियल रेजिस्टेंस, स्पेशियल मतलब ये स्पेस वाला रेजिस्टेंस, ओके, वो स्पेस वाला रेजिस्टेंस कौन ज्यादा ऑफर करेगा? सपोज मिथाइल ग्रुप है तो वो ज्यादा ऑफर करेगा कंपेयर टू दी हाइड्रोजन। अगर बेंजीन लगा हुआ है, बेंजाइल ग्रुप लगा हुआ है, C6H5 लगा हुआ है, फिनाइल और बेंजाइल, व्हाटएवर यू कॉल, वो लगा हुआ है, वो तो मिथाइल से भी ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, कितना बड़ा बलून होगा उसका, ओके। सो वो कोई केस आ ही नहीं रहा है यहां पर, वो कोई केस यहां पर है ही नहीं, अंडरस्टूड? तो मतलब यहां पर डायरेक्ट कोई केस नहीं है, मतलब यहां पर भी अगर प्योर मिथाइल है इसलिए ओके, लेकिन यहां पर हमने ऑलरेडी ये जो लिविंग ग्रुप जाने वाला था हैलोजन, उसको तो भेज ही दिया है, बाहर ही निकाल दिया है, यहां बॉन्ड तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, न्यूक्लियोफाइल को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, वो नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, चिपक जाएगा। यहां पे मेहनत करनी पड़ रही थी, बॉन्ड को तोड़ना भी है, चिपकना तो है, चिपकना तो बाद में, पहले बॉन्ड तो तोड़ो फिर जाके चिपको, डन, ओके, समझ में आया दोनों में डिफरेंस? तो ये टू स्टेप में है। पहला स्टेप कौन सा? सो हमारा पहला स्टेप है कि ये जो RX हमारा अल्काइल हैलाइड, सपोज ये CH3Cl था, उसको अगर मैंने ये प्रोटिक सॉल्वेंट में डाल दिया और जो कार्बोकैटायन बनेगा वो है हमारा फर्स्ट स्टेप। और कार्बोकैटायन की न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन जो होगी वो है हमारा सेकेंड स्टेप, अंडरस्टूड? दोनों में सेम चीज हो रही है, हमारा हैलोजन लिविंग हो रहा है और न्यूक्लियोफाइल एंट्री मार रहा है और जुड़ रहा है, दैट्स इट। दोनों में सेम ही चीज हो रही है, वहां पे सिंगल स्टेज में होती है, यहां पर डबल स्टेज में, और सिर्फ टू स्टेप में होती है, डन। चलो तो देखते हैं, ये सब नहीं देखा ना हमने, या देख लिया? यहां से ही देखना है ना? हाँ, ओके, चलो। सो SN1 रिएक्शन, चलो पढ़ते हैं इसको, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हमने समझ तो लिया ही है। हाँ, सो से सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर SN1। सो SN1 रिएक्शन आर जनरली कैरिड आउट इन अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड। तो अल्कोहल होगा सिर्फ मिथेनॉल है, उसमें से भी OH- निकल जाएगा और CH3+ हो जाएगा, डन, ओके। सो पानी है, अल्कोहल है, एसिटिक एसिड है, वो क्या है सारे? प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब क्या? उसमें H+ अलग, प्रोटॉन जहां से अलग हो सकता है, तो उसमें हमने डाल दिया, यही पहला स्टेप है, ओके। द रिएक्शन बिटवीन द टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, वो सब हमें IUPAC हमने डिटेल में डिस्कस कर दिया है, तो ये हमें बनाना आता है, ओके। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन, ये एक एग्जाम्पल है, तुम यही एग्जाम्पल तो जरूरी नहीं है, तुम सिंपली मिथाइल क्लोराइड वाला एग्जाम्पल भी ले सकते हो, तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड वो एग्जाम्पल ना लेना, और सिंपल यही होता है, ओके। अगर तुम सही तरह से नॉलेज यूज करोगे तो इतना लंबा चौड़ा बनाने की बजाय सिंपली बोल दिया मिथाइल क्लोराइड, तुम्हें तो समझना, और वो भी नहीं बोलना हो तो वो भी छोड़ो, RX जो लेना हो लो, अभी तुम्हें R में मिथाइल क्लोराइड लेना हो या R में मिथाइल लेना हो या R में टॉर्शरी ब्यूटाइल लेना हो, वो जो लेना हो लो, ओके, तो RX, अब तुम समझो खुद, लाइक दैट। तो वो हमें अपना नॉलेज यूज करके, फिर वहां पे अगर तुम लिख रहे हो तो मार्क्स मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू सही है, ओके, कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू सही है, यस। सो द रिएक्शन बिटवीन द टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन, देखो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड मतलब ये अल्काइल हैलाइड है, और हाइड्रोक्साइड आयन OH- वही है हमारा कौन, न्यूक्लियोफाइल, अच्छा, यील्ड्स द टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो भाई ऑब्वियसली अल्कोहल बनेगा, पिछली बार भी अल्कोहल OH डालोगे तो अल्कोहल ही बनेगा ना, तो OH डाल दिया तो अल्कोहल बन गया, और ये जो हमारी केमिकल रिएक्टिविटी और से केमिकल काइनेटिक्स यहां अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑर्डर की होती है, मतलब सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करता है। क्यों एक ही चीज पे डिपेंड करता है? अभी तो हमने समझा, सपोज हमने मिथाइल क्लोराइड को प्रोटिक सॉल्वेंट में डाल दिया, ओके, से पानी में डाल दिया, तो हमारा ये H इसमें क्या होगा, एक H+ होगा और एक OH- होगा,
तो ये जो Cl है वो H+ के साथ जुड़ जाएगा, H+ के साथ ये Cl जुड़ गया, तो H+ के साथ Cl जुड़ गया तो वो लिविंग हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा CH3+, तो ये जो OH- है यहाँ आके अटैक मार दिया, ओके तो बन क्या गया CH3OH-, लेकिन ये तो बाद में बना ना, अभी कहाँ अटैक मार रहे हो, हमारे पास क्या है CH3+, अभी सिर्फ CH3+ हमारे पास आ गया, एक स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, अब एक स्टेप कंप्लीट कर लिया, अब जाके मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो अभी यहां मेरा बन रहा है मिथेनॉल, सिंपल। लेकिन ये क्यों फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि हमने बोल दिया कि केमिकल काइनेटिक्स मतलब जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट, वहां दो के ऊपर डिपेंडेंट था, कौन कौन सा, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल, तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल का कोई मीनिंग नहीं है, सबस्ट्रेट के ऊपर तो डिपेंडेंट है रेट, तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है, अरे मेरे पास ऐसा समझो, सपोज तुम्हारे पास 1 करोड़ हाइड्रोक्साइड आयन हो, लेकिन जब तक तुम्हें कार्बोकैटायन नहीं मिलेगा क्या करोगे वो हाइड्रोक्साइड आयन का, कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास बहुत खतरनाक वाला है, किसका, हाइड्रोक्साइड आयन का, लेकिन ये प्रोसेस होगी जब ये कार्बोकैटायन मिलेगा उसके बाद तो ये अटैक करेगा, ये मिलेगा ही नहीं तो अटैक क्या करेगा, तो दैट मीन्स इसका ये जो बन रहा है वो उसका कॉन्सेंट्रेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तुम्हारे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोकैटायन के ऊपर डिपेंडेंट है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोकैटायन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, जितना तुमने CH3Cl लिया हुआ होगा उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो CH3Cl क्या है, सबस्ट्रेट, तो सिर्फ सबस्ट्रेट के ऊपर ही डिपेंडेंट है, न्यूक्लियोफाइल अभी तुम्हारे पास यहाँ पे है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जीरो है कार्बोकैटायन का, और यहाँ पे सपोज 100 मोलार है हाइड्रोक्साइड, क्या करेंगे वो 100 मोलार का, क्योंकि कार्बोकैटायन नहीं है तो वो अटैक नहीं कर सकता, अंडरस्टूड, इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर मींस एक के ही ऊपर डिपेंडेंट है, दोनों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, समझ में आ गया, दैट इज द डिफरेंस आल्सो, ओके, द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट व्हिच इज टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यस, तो वो जो हमने बोला वो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से बताया गया है, इट ऑकर्स इन टू स्टेप्स, दो स्टेप में होगी, देखो वही चीज वापस अल्काइल हैलाइड है, स्टेप वन में हमारे पास ये लिविंग ग्रुप हो गया और H+ से वो जुड़ जाएगा और यहाँ पे हमारा कार्बोकैटायन मिल जाएगा, कार्बोकैटायन मिला मतलब करना क्या है, अरे जो है उसमें से ये Br- को निकाल लो और प्लस कर दो, बन गया कार्बोकैटायन, डन, तो वो ये फिर हम सोचेंगे यहां से ये कैसे बन गया, अरे वो वही था, देखो ये कार्बन के साथ 4 वैलेंसी होती है कार्बन के साथ, तो ये जो कार्बन है उसकी 4 वैलेंसी है, एक में यहां भी ऐसा ड्रॉ करते तो बच्चे कंफ्यूज नहीं हो जाते ना, ओके देखो जैसे ये कार्बन है तो ये कार्बन है उसके पास 3 मिथाइल है, तो ये 1, 2, 3 3 मिथाइल है, कौन है मिथाइल CH3 CH3 CH3, और एक Br है तो हो गई ना उसकी वैलेंसी कंप्लीटेड, ओके बस इसमें से ये निकाल दो भाई साहब को, तो जो बचेगा CH3 H3 C CH3, ये निकल गया प्लस बन गया कार्बोकैटायन, वही तो ड्रॉ किया है, ये क्या है यहाँ पे कार्बन होता है तो कार्बन CH3 CH3 CH3, कार्बन CH3 CH3 CH3, और ये प्लस प्लस डन, तो ऐसा ड्रॉ करो ऐसा, फिर ऐसे डंडे डंडे ड्रॉ करोगे ये सब क्या है, वो सब क्या है नहीं हम समझ लिए है वो सब क्या है, IUPAC में भी हमने देख लिया, डन, ओके तो ऐसे सिंपल भी ड्रॉ कर सकते हो तुम अपने हिसाब से, अगर कोई तकलीफ नहीं हो रही है तो ऐसे ही ड्रॉ करो कोई बात नहीं, तकलीफ क्यों होगी, हमें समझ में तो आ रहा है, लेकिन टू मेक इट इजी और से टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल फॉर द इवेल्युएटर, तुम्हें तो समझ में आ गया है उसको भी समझ में आ जाएगा तुम्हें अच्छे से आता है, ओके तो तुम इजी बनाना हो तो बना सकते हो, ओके हाँ तो ये लिविंग ग्रुप हो गया, नाउ अभी वो जो कार्बोकैटायन है उसको न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और हमारा अल्कोहल बन गया, सिंपल डन, ओके हाँ So, आगे स्टेप वन इज द स्लोएस्ट एंड रिवर्सिबल, देखो यहां पे भी एक प्रॉब्लम, ये जो स्टेप वन है इसमें से ये हमारा कार्बोकैटायन बनना वो स्लो है, वो प्रोसेस क्या है स्लो है एंड रिवर्सिबल भी है, रिवर्सिबल है मतलब वापस वो चला जाएगा, मतलब ये इससे वापस वो यहाँ ये जो HCl बना ना उसमें से वापस H+ निकाल के वो वापस बन जाएगा, मतलब वो वापस जैसा था वैसा बन जाएगा, रिवर्सिबल है, समझ में आ रहा है, ओके सो
आगे इट इन्वॉल्व्स द सी वी आर बॉन्ड ब्रेकिंग फॉर विच द एनर्जी इज ऑब्टेन्ड थ्रू द सॉल्वेशन ऑफ हैलाइड आयन विद द प्रोटॉन ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट. ओके क्या बोल रहे हैं, इट इन्वॉल्व्स द सी वी आर बॉन्ड ब्रेकिंग, मतलब ऑब्वियसली कार्बन और बी आर के बीच का बॉन्ड टूटना ही पड़ेगा तभी तो वो लिविंग ग्रुप होगा, तो बी आर टूटेगा. फॉर विच द एनर्जी इज ऑब्टेन्ड, मतलब बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड तोड़ने के लिए तो एनर्जी चाहिए, कहां से लाओगे ये एनर्जी, वो जो जुड़ रहा है ना वो ही एनर्जी दे, क्योंकि बॉन्ड बन रहा है वहां भी एनर्जी मिल रही, यही एनर्जी को यूज कर लो बॉन्ड तोड़ने में, डन. तो ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग मिल रही है एनर्जी, मतलब जो चाहिए तुम्हें एनर्जी, फॉर विच द एनर्जी इज ऑब्टेन्ड थ्रू द सॉल्वेशन ऑफ हैलाइड आयन विद द प्रोटॉन ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब क्या कहना चाह रहे समझ में आया, ये बोलना चाह रहे हैं कि RX का बॉन्ड टूटने वाला है और तुमने उसको प्रोटिक सॉल्वेंट में डाला तो प्रोटिक सॉल्वेंट में से H+ ये X को अट्रैक्ट कर, RX के X को अट्रैक्ट करने वाला है ये H+. ओके तो अट्रैक्ट करेगा और बॉन्ड बनाएगा, जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, ये जो एनर्जी रिलीज हुई वही एनर्जी यूज हो जाएगी कहां पर, RX के बॉन्ड को तोड़ने में, तो एक्सचेंज हो गया ना, एक जगह से ली और एक जगह पर दे दी, तो हमें एक्स्ट्रा तो नहीं देनी पड़ी, समझ में आया. ओके हाँ, सिंस द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप, रेट किसके ऊपर डिपेंड है, ये स्लो स्टेप पर ही ऊपर ही डिपेंड है, क्यों, क्योंकि यहीं पर तो है हमारा कार्बोकैटायन, डन, तो उसके ऊपर डिपेंडेंट है. द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड नॉट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्साइड. ओके फर्दर ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ग्रेटर विल बी इट, फिर से देखो इंपॉर्टेंट है, यहां से एमसीक्यू बनेंगे कॉम्पिटिटिव में. फर्दर ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, मतलब ये जो हमारा कार्बोकैटायन बनेगा वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबल होता हो अच्छी बात है, क्यों, अनस्टेबल होगा तो वापस बन जाएगा, स्टेबल होगा तो हम आगे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवा सकते हैं, अनस्टेबल हुआ तो अभी तो हम कुछ रिएक्शन करवाने जाए उससे पहले जैसा था वैसा बन जाएगा, तो स्टेबल होगा तो अच्छी बात है, जितना ज्यादा तुम्हें फिर तो तुम्हें कम मिलेगा, ऐसा समझो 50 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए उसमें से 30 स्टेबल थे और 20 अनस्टेबल थे तो 30 स्टेबल थे तो वो 30 आगे जाएंगे न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करेंगे, 20 अनस्टेबल थे तो वो तो वापस जैसे थे वैसे बन जाएंगे, तो वो हम हमारे लिए वो डिजायरेबल नहीं है, तो स्टेबल हो वही हमारे लिए डिजायरेबल है. ओके तो वही बोल रहे हैं फिर से, फर्दर ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ग्रेटर विल बी इट्स ease of formation of alkyl halide, जितना ज्यादा stable होगा उतना ही मतलब ease हो जाएगा, greater will be its ease of formation alkyl halide and faster will be the rate of the reaction, मतलब rate of reaction उतना ही fast हो जाएगा, done. yes. okay in case of alkyl halides, से alkyl halides में tertiary alkyl halides की बात करें हम, tertiary. okay देखो वहां पर हमने पहले वो वाला पिक्चर तो क्लियर ही रखो, SN2 में हमने क्या समझा था कि अगर प्राइमरी हो वो फास्ट रिएक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि उसका स्टेरिक हिंड्रेंस और से स्पेशियल रेजिस्टेंस कम है इसलिए तुरंत आएगा, क्योंकि वो बलून बलून छोटे छोटे है या नहीं है ऐसा, लेकिन मिथाइल जुड़ा हुआ है बेंजाइल जुड़ा हुआ है तो बड़े बड़े है तो वो अपोज करेगा, डन. तो प्राइमरी की एकदम फास्ट में है रिएक्शन, किसकी फास्ट होती है, प्राइमरी की, फिर सेकेंडरी की और लास्ट में टर्शियरी की, यहां पे उल्टा है, टर्शियरी पहली है. देखो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड अंडरगोज SN1 रिएक्शन वेरी फास्ट, SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट होती है किसकी, 3 डिग्री टर्शियरी हैलाइड की. ओके बिकॉज ऑफ द हाई स्टेबिलिटी ऑफ 3 डिग्री कार्बोकैटायन्स, क्यों, क्योंकि जो 3 डिग्री टर्शियरी हमारा जो बनेगा अल्कोहल जो बनने वाला है, ओके मतलब वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, और कार्बोकैटायन ये तो हमने 11th में ही पढ़ लिया है, क्या कि हमारे पास अगर कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन है सो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू दी 2 डिग्री कंपेयर टू दी 1 डिग्री, ये तो हमें पता है कार्बोकैटायन. अगर मेरे पास 1 डिग्री है, 1 डिग्री मतलब क्या कि ये कार्बन दूसरे एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ओके मतलब सपोज यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है तो ये क्या हो गया H, ये क्या हो गया H, ओके ये जहाँ जुड़ा हुआ है वो दूसरे से एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ओके तो ये हो गया, और ये इसी को हम प्राइमरी बोल देते हैं ना, ये H, ओके तो डायरेक्टली कोई कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है प्राइमरी, ओके
फिर वो जो जुड़ा हुआ है वहां पे वो कार्बन दूसरे कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, तो उसको इसको प्राइमरी बोलेंगे तो नेक्स्ट वाला सेकेंडरी हो जाएगा। डन, ओके। सो कहने का मीनिंग है, ये तो हमने इलेवेंथ में ही समझ लिया था क्या, कि टर्शरी जो कार्बोकैटायन है वो ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू दी सेकेंडरी, कंपेयर टू दी प्राइमरी। तो ये ज्यादा स्टेबल होता है, तो अभी तो हमने बोला क्या कि अगर ये ज्यादा स्टेबल होगा तो अच्छी बात है कि आगे हम रिएक्शन फॉरवर्ड में जा सकते हैं, अगर अनस्टेबल होगा तो वो तो वापस वही बन जाएगा क्योंकि वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। अंडरस्टूड, ओके। सो स्टेबिलिटी मैटर करती है कार्बोकैटायन की, वहां पर स्पेशल रेजिस्टेंस और स्टेरिक हिंड्रेंस मैटर कर रहा था। डन, ओके। तो दो चीजें याद रखनी है, किस चीज के बेस पर, किस चीज के डिपेंड करती है। तो अगर SN2 रिएक्शन है, SN2, तो उसमें तुम्हें देखना है स्टेरिक हिंड्रेंस, तो स्टेरिक हिंड्रेंस देखना है। और SN1 रिएक्शन है तो तुम्हें देखना है स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन। डन, पक्का, ओके, चलो। सो इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड वेरी फास्ट रिएक्शन देगी, हाई स्टेबिलिटी ऑफ 3 डिग्री कार्बोकैटायन। We can sum up the order of reactivity of alkyl halides towards SN1 and SN2 reaction as follows. Okay. So SN2 reaction, tertiary halide, SN2 के लिए, मतलब पहले वाला, तो पहले वाले में तो हमें पता है special और steric hindrance देखना है, special resistance देखना है, तो वो सबसे कम किसका होता है, resistance जिसका कम हो reaction fast होगी, तो resistance कम किसका है, 1 degree का, तो 1 degree का सबसे fast primary, फिर उसके बाद second, फिर tertiary। लेकिन ये एरो इस साइड बढ़ रहा है, मतलब प्राइमरी का सबसे ज्यादा, लेकिन यहाँ पर टर्शरी का सबसे ज्यादा है SN1 रिएक्शन। डन, ओके। तो मतलब तुम वैसे भी याद रख सकते हो कि SN1 है, नहीं पहले हम 2 समझे थे ना, तो SN2 के लिए प्राइमरी की केमिकल रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंड और फिर थर्ड, और SN1 के लिए प्राइमरी की, हाँ SN2 के लिए करेक्ट ना, SN2 पहला कल पढ़ा था वो लास्ट लेक्चर में, तो 1 डिग्री सबसे फास्ट रिएक्ट करेगी। ओके, यहाँ पे 1 डिग्री भी ऐसे ही लिखना चाहो तो ऐसे ही लिख दो, लेकिन लेस देन कर देना। ओके, और इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन, ओके, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ऐसे करोगे ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा, है सही लेकिन कंफ्यूजिंग, ग्रेटर, इससे अच्छा है ऐसे ही लिखो कि तुम हर बार ग्रेटर देन यूज करने वाले हो, ठीक है। सो 1 2 3 और 3 2 1 2 3 3 2 1, रट्टा नहीं मारना है, हम समझ लिए हैं यहां पर क्या है, यहां पर हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस और उसका क्या नाम है दूसरा, अभी मैं क्या बोला, स्टेरिक हिंड्रेंस और सिस्पेटियल रेजिस्टेंस वो देखना है हमें, और यहां पर देखना है हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन। डन, ओके, चलो। सो फॉर द सेम रीजन एलाइलिक, अब देखो ये हम पढ़ चुके हैं क्या, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड पढ़ चुके हैं, डबल बॉन्ड आता था, रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी आता था, ओके। सो एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड शो, मतलब क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड शो द हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द SN1 रिएक्शन, यही रीजन की वजह से, सेम रीजन की वजह से, क्या एलाइलिक हैलाइड हो तो और बेंजाइलिक हैलाइड हो तो उसमें शो द हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द SN1 रिएक्शन, के SN1 रिएक्शन में वो लोग ज्यादा स्टेबिलिटी दिखाते हैं, कैसे, देखो, the carbocation thus formed gets stabilized through the resonance, okay, as shown below. मतलब क्यों, देखो हमने क्या बोला, SN1 में तो हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखनी है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जहां पर हमारा एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड है, ओके, तो वहां डबल बॉन्ड आता था, डबल बॉन्ड आता था और रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी है, शिफ्ट होता था ये डबल बॉन्ड, ओके, तो ये अगर शिफ्ट हो जाए तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो स्टेबिलिटी बढ़ी तो अच्छी बात है, क्योंकि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ी तो जितना ज्यादा स्टेबल उतने ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन को हम न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, अनस्टेबल होगा वो तो रिवर्सिबल होके वापस सब्सट्रेट ही बन जाएगा। डन, ओके, तो देखो ये हमने लिया हुआ है CH2 वाला, मतलब से हमारे पास टोल्युइन था उसमें से भी एक H निकाल लिया है, ओके,
मतलब ऐसा समझो कि मीथेन ही है, तो मीथेन में चार कार्बन की चार वैलेंसी होगी, तो एक H निकल गया, एक H निकला तो क्या जुड़ा हुआ, बेंजाइल ग्रुप जुड़ गया, तो ये पूरा बेंजाइल ग्रुप जुड़ गया, डन ओके। फिर और तीन बची, तो तीन में दो पे तो हाइड्रोजन, तीन हो गए, एक बाकी उसका प्लस, डन ओके। सो ये हो गया हमारा बेंजाइलिक हैलाइड। सो अब हैलाइड अभी जुड़ा नहीं है, ओके। सो ये हो गया हमारा। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये जो बेंजीन है वो बाद में समझेंगे, पहले ये सिंपल वाला समझो। देखो ये क्या हो रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, ऐसा है हमारे पास, ओके। अल्किन लेते थे हम, अल्किन में से भी एक H निकालोगे, अल्काइल ये कहां से आया, ये डायरेक्ट बताएंगे ना तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। हमारे पास क्या है, सी डबल बॉन्ड सी सी, ऐसे थोड़ा सिस्टमेटिक हो तो कंफ्यूजन नहीं होगा, रट्टा नहीं मानना पड़ेगा। सपोज यहां मेरे पास क्लोरीन है, डन, और ये हो गया मेरा क्या, ये ज्यादा लिख दिया ना मैंने, एक दो तीन चार पांच हो गए, अच्छा। सो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दो तीन चार, अच्छा एक दो तीन, और यहाँ पे एक चार हाइड्रोजन, एक दो तीन चार, और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हमारा क्या है, ये हमारा है क्या है, नाम बताओ, IUPAC नेम बताओ, क्लोरोप्रोपाइल क्लोरोप्रोपाइल क्या, नहीं गलत, क्यों, क्योंकि तुमने बॉन्ड ज्यादा प्रेफरेंस किसको दे दिया, क्लोरीन को, क्लोरीन को नहीं डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है, मल्टीपल बॉन्ड पहले आएगा, क्योंकि हैलोजन तो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे भी यूज होता है, हैलोजन फंक्शनल, अगर डबल बॉन्ड ना हो तो हम फंक्शनल ग्रुप मान लेंगे, लेकिन अदरवाइज सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे भी यूज होता है, यूपीएससी नेमिंग में हमने देखा था। तो वन ये होगा, ये वन है, ये टू है, और ये थ्री है। अगर मैं ऐसा करूं तो देखो डबल बॉन्ड कहां पे आया, वन पे आया, और यहां से करूंगा तो डबल बॉन्ड कहां पे आएगा, टू पे आएगा, ओके। तो वन पे छोटा नंबर आ रहा है ना, वो नंबर लेना है, तो वो नंबर लेंगे तो क्या होंगे, वन पर तुम्हारा डबल बॉन्ड है, अब तुम्हारा क्या है, प्रॉप है, वर्ड रूट क्या है, प्रॉप, प्रॉप तुम्हारा वर्ड रूट है, ठीक है वर्ड रूट लिख दिया। अब तुम्हें लिखना है सेकेंड डिग्री सफिक्स, ओके। तो सेकेंड डिग्री सफिक्स में क्या था, इन और वो सब था, ओके। तो क्या है मेरे पास, डबल है, अल्किन है, डबल बॉन्ड मतलब अल्किन है, तो कहां पर है, तो प्रॉप वन इन, डन। फिर वन डिग्री सफिक्स, तो वो तो कुछ मतलब पहले वन डिग्री सफिक्स ये है, फिर टू डिग्री सफिक्स, तो टू डिग्री सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप हो तो है नहीं कोई, इसको तो हम उसमें लेंगे ना सब्स्टिट्यूएंट में। फिर वन डिग्री प्रीफिक्स, तो वो तो साइक्लो और असाइक्लिक, आईयूपीएससी वो जो हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा, साइक्लिक और साइक्लिक वो तो असाइक्लिक ही है, ठीक है। और फिर आता है हमारा सब्स्टिट्यूएंट, ओके। तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम क्या लिखेंगे, क्लोरीन, तो क्लोरीन कहां पर है, थ्री पर, सो थ्री क्लोरो प्रॉप वन इन, मिथाइल नहीं है ना कहीं पे, नहीं, ओके। तो थ्री एलाइलिक हैलाइड में वो है ना डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन पे अगर हैलोजन एटम ज्वाइन होते तो उसे एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। एलाइलिक हैलाइड मतलब तुम्हारा अल्किन है और हैलोजन है, वो एलाइलिक हैलाइड, तो उसको ऐसे बोलते हैं ना एलाइलिक ब्रोमाइड एलाइलिक क्लोराइड करके, हाँ तो एलाइलिक चलेगा, लेकिन तुम एलाइलिक क्लोरो हैलाइड ऐसे हैलाइड और क्लोरो क्लोरीन दोनों नहीं मिक्स कर सकते, या तो क्लोराइड बोलो क्लोराइड बोलो या तो क्लोरो फिर बोल दो, समझ में आ रहा है। हैलोजन का नाम क्या होगा, एलाइलिक हैलाइड का क्या होगा, एक दो और तीन, तो प्रोपीन है, ओके। अल्किन में क्या है, प्रोपीन है, सो प्रोपाइल क्लोराइड,
प्रोपाइलिक क्लोराइड है। हाँ मतलब ऐसे एलाइलिक क्लोराइड के जैसे बोल रहा हूँ, हैलाइड के फॉर्म में बोल रहा हूँ तो प्रोपाइलिक क्लोराइड यस। लेकिन अच्छा लेकिन तुम क्या बोले थे क्लोरो और हैलाइड वो मिक्स मत करना, क्योंकि हेलोजन हैलाइड मतलब क्या हेलोजन और क्लोराइड भी हेलोजन ही है तो दो दो बार नहीं आएंगे। डन ओके हाँ प्रोपाइलिक क्लोराइड है उसमें डबल बॉन्ड आया वो कैसे पता चलेगा प्रोपाइलिक प्रोपाइलिक है इसलिए तो केवल बनता वो उसमें देखो डबल अल्किन है अल्किन हमारा अल्किन था ओके हमारे पास पहले अल्केन था तो अल्केन में से हमने एक एच निकाल लिया तो हमारा बना था अल्काइल अल्काइल जैसे कि मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल वैसे। अभी ये तो हमने अल्केन में से निकाला लेकिन अल्किन और अल्काइन में से भी जा सकता है तो अल्किन में से अगर एक एच निकाला तो तुम्हारा हो जाएगा एल्काइलिक एल्काइलिक। अभी ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा तो भी यही वर्ड होगा लेकिन वहां पे ट्रिपल बॉन्ड तुम्हें बताना तो पड़ेगा ना आईयूपीएससी में तो पता चल जाएगा, इसमें कॉमन नेम में तुम्हें फिर डायरेक्टली पता नहीं चलेगा। आईयूपीएससी इसीलिए तो सबसे इंपॉर्टेंट वही है तो इसलिए तो मैंने आईयूपीएससी पूछा क्या कि वन पे इन है नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि डबल बॉन्ड है कहां पर। और अगर ट्रिपल होता तो मैं वन पी जगह इन की जगह क्या लिखता आइन लिखता वाई एन ही लिखता। डन ओके सो हमने अल्काइलिक हैलाइड जो हमने पढ़ा अल्काइलिक हैलाइड वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों के लिए ही अल्काइलिक हमने वर्ड यूज किया है लेकिन अगर वैसे भी अगर डबल बॉन्ड हो तो हम बोलते थे विनाइलिक याद कर लेकिन वो कब जब ईथ हो तब फिर प्रॉप हो तो तुम विनाइलिक नहीं बोल सकते ईथ हो तो ही याद आया yes. हमने उसमें पढ़ा है किसमें क्लासिफिकेशन में ये रहा हाँ ये इसलिए मैं ये नाम तो कर ही लेता हूँ वो तो आपको ही पता है आज ये थोड़ा अलग ट्राई कर रहा हूँ। देखो सो ये हमने एलाइलिक तो हमने पहले तो ये हमारा सिंपल है फिर क्लासिफिकेशन में क्या आया कि एक एच निकाल दिया है अब एलाइलिक में क्या है तुम्हारा डबल बॉन्ड है एलाइलिक में तो एलाइलिक तो प्रोपाइलिक ऐसे बोलेंगे हम ओके और ये बेंजाइलिक और आगे जाएंगे तो ये विनाइलिक और से एराइल हैलाइड लेकिन वो विनाइलिक और एराइल हैलाइड हम कब बोलेंगे विनाइलिक मतलब ऐसे डबल बॉन्ड तुम्हारा है तो ये देखा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ओके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो हम उसको विनाइलिक भी बोलते हैं और अराइल के लिए हमारा एरोमेटिक ग्रुप होता है। विनाइलिक में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जो कार्बन होता है उसके ऊपर हैलोजन एटम लगाओ तो विनाइलिक होता है ना उसके ऊपर डायरेक्टली लगाओ यस। और एलाइलिक में कार्बन बोल के बाद में यस करेक्ट वही क्लासिफिकेशन था। ये दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा ऐसे नेम से ओके कि तुमने बोल दिया तो ये विनाइलिक जो तुम बोल रहे हो वो हेलोजन डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है उससे डायरेक्टली अटैच है और वहां पे एलाइलिक में क्या है वो जिससे अटैच है वो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है ही नहीं उसके बाद वाला डबल बॉन्ड वाला कार्बन है मतलब कि ये हेलोजन जहां जुड़ा हुआ है वो ये कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन फिर आगे जाके डबल बॉन्ड में है। अंडरस्टूड आगे ना समझ ओके हाँ चलो सो ये हमारा बन गया। अब हम तो जो थियरी में समझ रहे थे वो ओके हाँ सो थियरी में जो हम समझ रहे थे क्या समझ रहे थे कि ये अब जैसे कि हमारे पास ये सब हो गया अरे नाम भी पूछ लिया ओके तो ये हमारा यूपीएससी नेमिंग हो गया ओके सो अब क्या हो रहा है कि ये जो डबल बॉन्ड है अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली क्लोरीन दिखाया नहीं है तो हम बोलेंगे कहाँ है हैलाइड लेकिन ये हमारा मेन है ओके इसमें से हैलोजन चला गया तो मैं यहीं पे निकाल दूँ चलो सी एच ओके एक दो दो कार्बन एक दो और ये चला गया तो ये प्लस हो गया डन एच 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 ये हमारा कार्बोकैटायन बन गया। अब ये कार्बोकैटायन में क्या हो रहा है सपोज ये जो डबल बॉन्ड है ये जो डबल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट करता है रेजोनेंस ओके
तो कैसे, देखो यहाँ पे ये प्लस है ना, अब ये यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक और दो, एक होगा ये भाई साहब का, दूसरा होगा इसका, ये यहां से शिफ्ट होके यहां आ गया, ये वाला यहां आ गया, तो वो तो उसका था और उसका ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डन। अब ये भी, ये किसका था, इसका था, ओके, वो शिफ्ट होके यहां आ गया, तो दो हो गए, तो यहां पे डबल बॉन्ड बन गया। लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन आया, इसके पास कमी थी, ये इसके पास कमी थी, तभी तो प्लस बना है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन आया तो उसकी भरपाई हो गई, तो ये प्लस चला गया, डन, ये प्लस चला गया। लेकिन इसका तो चला गया भाई, उसका जो था वो बॉन्ड से टूट के वो तो शिफ्ट हो गया, वो चला गया, तो ये प्लस हो गया, डन। तो ये डबल बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो गया, फिर वापस यहां से शिफ्ट हो गया, तो वैसे शिफ्ट होता रहता है डबल बॉन्ड, रेजोनेंस में तो शिफ्ट होता रहता है, तो रेजोनेंस में अगर डबल बॉन्ड शिफ्ट होता रहे तो वो अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, उसकी स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा हो तो हमें तो ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा, वही हम समझे। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि फॉर द सेम रीजन एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड शोज द हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1। अंडरस्टूड? यस, ओके। नाउ अब देखो बेंजाइलिक के लिए देखते हैं, तो वैसे ही यहां पर एक CH3 और था, ओके, क्लोरीन था, क्लोरीन निकल गया, ये एक, फिर ये दो तो है तीन, और एक क्लोरीन था, तो क्लोरीन सपोज निकल गया, तो प्लस आ गया, ओके। अब यहां पर क्या हो रहा है कि डबल बॉन्ड यहां पर है, वो डबल बॉन्ड यहां से शिफ्ट होके यहां जा रहा है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया तो वो तो ये कार्बन का था, अभी भी यही कार्बन का है, तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो दूसरा इलेक्ट्रॉन था वो ये वाले कार्बन का था, समझ दिखाई दे रहा है, ओके। यहां पर दो कार्बन है, कौन कौन से, सपोज ये एक और ये दो, तो ये तो शिफ्ट होके यहां चला गया, तो ये किसका था, ये कार्बन का था, यहाँ जो कार्बन होगा उसका ही था ना वो इलेक्ट्रॉन, तो वो तो अभी भी उसका ही रहा, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है वो तो ये कार्बन का है, तो वो वहां से चला गया और यहां आ गया, अब इसका कार्बन चला, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया था इसलिए वो कैटायन बना था, अभी इलेक्ट्रॉन मिल गया तो वो कैटायन हिल चला गया, न्यूट्रल हो गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन इसके पास था वो टूट के चला गया, तो ये हो गया पॉजिटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव, तो ये डबल बॉन्ड बन गया, डन, ओके। फिर डबल बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होते रहते हैं, मतलब ये जो तुम्हारा कैटायन है ना प्लस चार्ज, वो शिफ्ट होता रहेगा, क्यों, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, अभी यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर कहीं वापस चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे, तो ऐसे शिफ्ट होता रहेगा, तो कैटायन देखो यहाँ पर, ये पहले यहाँ प्लस था, फिर यहाँ पे प्लस आया, फिर यहाँ पे प्लस आया, चेंज होता रहेगा, डबल बॉन्ड शिफ्ट करता रहेगा, तो वो क्या है, वो शिफ्ट करता रहेगा, स्टेबिलिटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, सो SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा उतना प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा, डन, yes. तो वो ही समझा रहे हैं, अंडरस्टूड, पक्का, ओके, सो दिस इज अबाउट द SN1 एंड SN2, तो आज हमने क्या देखा, SN1 देखा, अब सम अप कर दे तो तुम डिफरेंस निकाल सकते हो, क्या, सबसे पहले तो नेम से ही डिफरेंस निकाल सकते हो, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर एंड से बायोमोलिक्यूलर, ओके, तो SN2 में बाय है और SN1 में यूनि है, अच्छा SN2 में सिंगल स्टेप में प्रोसेस हो रही है और SN1 में टू स्टेप में प्रोसेस हो रही है, SN2 में एक इंटरमीडिएट मिल रहा है जो अनस्टेबल है, जो क्या है, अनस्टेबल है, ओके, और यहां पर तो टू स्टेज में ही हो रही है प्रोसेस, ओके, ठीक है, यहां पर जो केमिकल काइनेटिक्स में जो रेट है वो रेट डिपेंड करता है इसके ऊपर, रेट डिपेंड करता है SN2 में दो चीजों के ऊपर, सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, SN1 में सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट के रिएक्शन के, सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है, डन। अगर हम बात करें से प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी कार्बोकैटायन और से हैलाइड की, तो उसमें हम देख सकते हैं कि जो SN2 था उसमें फर्स्ट डिग्री की रिएक्शन सबसे ज्यादा, सेकेंड डिग्री की उससे कम, और थर्ड डिग्री और से टर्शरी की सबसे कम, क्यों, क्योंकि फर्स्ट डिग्री में सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस होता है और स्पेशियल रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, रेजिस्टेंस कम है तो रिएक्शन फास्ट होगी, और SN1 में यही जो हमारे ऑर्डर है वो रिवर्स होके कार्बोकैटायन अगर 3 डिग्री वाला हो तो सबसे फास्ट होगा,
टू डिग्री वाला होगा तो उससे कम, वन डिग्री वाला सबसे कम। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा होती है। डन? तो 3, 2, 1 अंडरस्टूड? ओके, अच्छे से समझ में आ गया दोनों? ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एज अ थियरी बोर्ड में भी, दोनों बोर्ड में, जीएसईबी में भी, सीबीएसई में भी। ओके सर, ऑर्डर भी लिख सकते हैं? हाँ ऑर्डर भी लिख सकते हैं। यस ऑर्डर भी हम लिख सकते हैं कि वो वहां पे सेकंड ऑर्डर है और यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर। डन?